हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की नोटिफिकेशन आ गई है, तो गुड न्यूज़ है। बट एक बैड न्यूज़ भी है कि इस बार फिर से डीबी की वैकेंसी उन्होंने नहीं दी है। इसके अंदर सिर्फ जीडी की और यांत्रिक की वैकेंसी, हाँ यांत्रिक की वैकेंसी है इस बार, लेकिन जीडी डीबी की नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो डीबी में भी अगली बार दे, पिछली बार यांत्रिक भी नहीं दिए थे, सिर्फ जीडी दिए थे, तो इन्होंने इस बार जीडी के साथ यांत्रिक को दे रखा है। और फॉर्म स्टार्ट हो गया इसका फिल होना आज से ही, 13 जून से ही, और ये एंड होगा 3 जुलाई तक। ठीक है, और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं जीडी एंड यांत्रिक के लिए, एंड यांत्रिक जीडी। ठीक है, देखो यहाँ पे 12th पास होने चाहिए दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, ऑब्वियस चीज़ है। यांत्रिक के लिए जीडी के लिए 12th पास, लेकिन यांत्रिक के लिए आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप यांत्रिक का नहीं फिल कर पाओगे। और वैकेंसीज क्या है क्या नहीं है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बट सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के ऊपर चलते हैं। देखो, एज कह रहे 1 मार्च 2003 से लेके 28 फरवरी 2007, दोनों डेट इंक्लूसिव है, 18 से 22 साल तक रहती है। लेकिन ओबीसी को ना 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा, मतलब ओबीसी 25 साल तक भर पाएंगे अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 जुलाई से पहले का बना के रखे होगे। तो एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर 3 जुलाई 2024 से पहले का बना के रखे होगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इट मीन्स 27 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। एंड यहाँ पे वैकेंसी देखो, यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे 260 दे रखी है, रीजन वाइज भी आप देख सकते हो। ठीक है, और यांत्रिक की ठीक है, इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। मैकेनिकल की टोटल 33 है, और इलेक्ट्रिकल का जो है आपका 18 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का 9 है, जो हर बार से ठीक है। और यहाँ पे अपना देख लो किस जोन में आते हो, अपना स्टेट देख लो। ठीक है, जोन वाइज स्टेट दे रखा है इन्होंने, यांत्रिक का कुछ भी जोन वाइज नहीं है, जीडी का इन्होंने जोन वाइज दे रखा है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वगैरह वगैरह मैं बता देता हूँ एक बार, जीडी के अंदर जो है ना क्या होता है और यांत्रिक के अंदर क्या होता है वो सब मैं बताऊँगा। जीडी के अंदर भी 2 पेपर देना होता है, यांत्रिक के अंदर भी 2 पेपर सेम डे। जीडी के अंदर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देना होता है, यांत्रिक को सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 3, 4, ठीक है, सॉरी 3, 4, 5, ऐसे जो भी उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का देंगे सेक्शन 1 के साथ साथ। तो कुल मिला के 110 नंबर का पेपर होगा, 50+60 नंबर का। ठीक है, यांत्रिक का भी जीडी का भी, तो सेक्शन 1 यांत्रिक का भी सेम होता है, जीडी का भी सेम होता है। और सेक्शन 1 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप A to Z स्टडी ऐप से डाउनलोड करके कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 1 बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। स्टेज 2 में अभी जो बच्चे जाने वाले हैं ना पिछली बैच के 02-2024 बैच के, वो सेक्शन 1 में ही देखना छटते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, और उन्हीं का रिजल्ट हुआ है जिसका सेक्शन 1 में बहुत ज़्यादा स्कोर है। सेक्शन 1 के अंदर कम स्कोर करके ना आप सोचोगे सेक्शन 2 में 3, 4, 5 में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2, 3, 4, 5 इतना टफ होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता है। जो भी स्कोरेबल पार्ट है वो सेक्शन 1, और सेक्शन 1 की बेस्ट क्लास चलती है वो A to Z स्टडी ऐप पर चलती है। इतिहास उठा के देख लो, मैं शाम तक आपको रिजल्ट भेजूंगा पिछली बैच में हमने कितना ज़्यादा रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, और इस बैच से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो और रक्षक बैच को ज्वाइन करो। और डाउनलोड करने के बाद अगर पेमेंट करने नहीं आता किस तरीके से करना है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पर। प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देना, नहीं अभी से स्टार्ट कर दो गाइस। अगर जीडी के अंदर और यांत्रिक के अंदर लेना चाहते हो ना तो अभी से, क्योंकि डे बाय डे देख रहे हो कोस्ट गार्ड वैकेंसी में कटौती करता है कर रहा है। अग्निवीर से अच्छा अपॉर्चुनिटी है कोस्ट गार्ड के अंदर, परमानेंट जॉब है। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट को परमानेंट जॉब मिल रहा है, थोड़ा सा मेहनत करो, सेक्शन 1 में टारगेट करो, 60 में से 45+ स्कोर कर जाए, सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाती है। अगर सेक्शन 2 में आप या फिर 3, 4, 5 में अगर आप पास भी कर जाते हो तो ओके, क्योंकि आप जब स्टेज 2 में जाओगे ना तो यही सब जो मैं पढ़ा के भेज रहा हूँ वहाँ पे भी ऑफलाइन एग्ज़ाम जब होगा इसी से सवाल आने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक का भी प्रोवाइड करेंगे, और हमारी जो पेड PDF आती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। बाकी एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेक्शन 1 एंड 2। और यहाँ पे देखो पासिंग मार्क्स जो यहाँ पे लिखा है ना कि सेक्शन 1 में 30 नंबर, सेक्शन 2 में 20 नंबर लाना, ये बस पासिंग मार्क्स, इतना कम नहीं लाना होता है, ये मिनिमम इतना लाना होता है। इतना जो नहीं लगा उसको तो ऐसे ही फेल कर देंगे, और इससे ज़्यादा जितना आएगा ना तो जितने बच्चों का जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उसके अनुसार अभी हाई कट ऑफ तैयार होता है। तो ये बस क्वालिफाइंग मार्क्स को ना, पासिंग मार्क्स मत समझ लेना कि इतने से मरा हो जाएगा, स्टिल नॉर्मलाइजेशन रहेगा आपके एग्ज़ाम में जैसे कि उन्होंने बताया था। एंड नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कुछ भी इन्होंने दे रखा है, द 4 पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होता है, क्या पता कोस्ट गार्ड कब बदल दे रूल, इसलिए नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रहेगा। और आपका वही फॉर्म को फिल करो, स्टार्ट हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, फ़ी वगैरह तो उनकी वही हाई रहेगी, तो इसमें तो कुछ कहने वाली चीज़ है नहीं,
बाकी यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, OBC SC ST सर्टिफिकेट अगर बनवा रहे हो या फिर EWS, तो ये चीज़ ध्यान देना, EWS जो है, SC ST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS ST नहीं बनता है। OBC जो बनवाना होगा वो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना होगा पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, और OBC के ऊपर एक QR कोड या फिर बार कोड होना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें एक अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।